गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? टुडे वी विल स्टडी इन एक्सरसाइज 4 इन चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 4। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। ये जो आपको ब्लैंक स्पेस दिख रहे हैं, इन ब्लैंक्स में इसको आपको मल्टीप्लाई के प्रोडक्ट से फिल करने हैं स्टूडेंट्स। सो नाउ कम्स दिस क्वेश्चंस एंड सॉल्व। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज 47 इंटू 10। जब भी आप किसी नंबर्स का 10, 100, 1000 या 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप ऑलवेज रिमेम्बर कीजिए कि गिवन नंबर्स का आप 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो 0 है उसको राइट साइड पुट कर दीजिए। नाउ वी सी दिस क्वेश्चन। 47 इंटू 10 इज इक्वल टू 47 का 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 47 ही आएगा, और 0 हमने पुट कर दिया राइट साइड में, तो ये आपका बन गया 472। इस क्वेश्चन को भी हम क्या करेंगे, सेम इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। ये देखिए 52,178 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे आप 52,178 1 से मल्टीप्लाई करने पर, और 0 को हमने यहाँ पर राइट प्लेस में पुट कर दिया स्टूडेंट्स। यहाँ देखेंगे 68 इंटू 100, 68 का आप 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये बन जाएगा आपका 68, और ये जो 2 जीरोज है इनको आप राइट साइड पुट कर देंगे तो 68 इंटू 100 का प्रोडक्ट आपको 6,800 गेट हो जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 499 इंटू 100। दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व सेम एज क्वेश्चन नंबर 3। 499 एंड 2 जीरोज यहाँ पुट कर देंगे, ओके। 928 इंटू 1000। यहाँ पे आप देखेंगे 928 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 928 सेम नंबर ही कम्स होगा स्टूडेंट्स, और 3 जीरो यहाँ पुट कर देंगे तो इस प्रकार से हमें उसका प्रोडक्ट मिल जाएगा स्टूडेंट्स। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ओके, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज 59 इंटू 30। ठीक है स्टूडेंट, देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। थ्री नाइन जा 27, 27 का 7 यहाँ राइट करेंगे, 2 यहाँ पे कैरी लेंगे, ओके। एंड 3 5 जा 15, 15 प्लस 2 17, और जो 10 है इस 10 को राइट साइड में क्या करेंगे स्टूडेंट, पुट कर देंगे तो ये बन गया आपका 59 इंटू 30 इज इक्वल टू 1770। ओके, तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से आपको मल्टीप्लाई करने हैं। जब भी आप मल्टीप्लाई इस प्रकार से करेंगे और उसमें आपका 1 प्लेस 10 प्लेस 0 आएगा, तो जो नंबर्स है उन नंबर्स का मल्टीप्लाई कीजिए और 0 को राइट साइड पुट कर दीजिए, ये आपके प्रोडक्ट का आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, 627 इंटू 500। 627 इंटू 500 आप देखेंगे स्टूडेंट्स
नंबर ऑफ पाइप का हम मल्टीप्लाई 627 से कर देंगे और लास्ट में 20 हम वहां पुट कर देंगे स्टूडेंट्स। ओके नाउ सी 57 जा 35, 35 को 5 यहां ऐड करेंगे स्टूडेंट एंड 3 आपका कैरी हो जाएगा। 52 जा 10, 10 प्लस 3 13, 13 का 3 ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, 1 आपका कैरी हो जाएगा। 56 जा 30, 30 में 1 को ऐड करेंगे 31 बन जाएगा। दिस 20, ये जो आपका 20s है इनको राइट साइड में हम क्या कर देंगे पुट कर देंगे स्टूडेंट्स, तो बन गया आपका प्रोडक्ट 627 इनटू 500 इज इक्वल टू 3,13,500। ओके इसी प्रकार से इसमें और भी क्वेश्चन गिवन है, इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर स्टूडेंट और ये आपके लिए होमवर्क होगा। नाउ सी योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, यूज सुटेबल ग्रुपिंग इनटू फाइंड ईच ऑफ फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। आपको क्वेश्चन दिए स्टूडेंट्स, आपको इस क्वेश्चन को ग्रुप में कन्वर्ट करके, ग्रुप में चेंज करके प्रोडक्ट करना है स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं ग्रुप में चेंज करके कैसे हम उसका प्रोडक्ट करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। योर फर्स्ट क्वेश्चन ए इज 2 इंटू 65 इंटू 2 सॉरी इंटू 5। ओके हियर वी कैन सी मल्टीप्लाई के लिए आपके पास 3 नंबर्स है, 2 इंटू 65 इंटू 5। तो आप देखेंगे 2 और 5 को हम ग्रुप में कर लेंगे, 2 इंटू 5 इंटू 65। ओके 5 टू जा 10 इंटू 65। ओके 65 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 भी आएगा स्टूडेंट्स, और 10 को हम यहाँ पे पुट कर देंगे ये बन जाएगा आपका 650 स्टूडेंट्स। तो इसी प्रकार से आपको दिए गए क्वेश्चन को ग्रुप में कन्वर्ट करके क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है स्टूडेंट्स। आप देखेंगे इसी में हम आपको बी वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहे हैं। इसमें आपका 5 इंटू 97 इंटू 20, 5 और 20 को हम ग्रुप में लेंगे स्टूडेंट्स, एक ब्रैकेट में लेंगे। 5 इंटू 20 इंटू 97, 25 100 बन जाएगा आपका इंटू 97। 97 का 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 97 और 20 राइट साइड में पुट कर दीजिए, ये आपको बन गया 9,700। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके थैंक यू।